अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। चलें जब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह। रेसिपी है हमारी आज बटर गार्लिक राइस। उसके लिए मैंने लिए हैं, राइस है मेरे पास आधा किलो, जो मैंने एक आधा घंटा तकरीबन पहले भिगो के रख दिए हैं। चावल जितने भिगे हों चावल उतने ही अच्छे बनते हैं। एक चम्मच नमक है मेरे पास, एक चम्मच ही मेरे पास धनिया है, तीन कलियां लहसुन की हैं, हरी मिर्चियाँ चार अदद, मक्खन है दो चम्मच। तो चलें जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक मैंने कढ़ाई लिया, उसमें पहले मैंने घी डाला है, क्योंकि अगर खाली मक्खन को मैं डालूंगी तो मक्खन जल जाएगा और मेरे राइस ख़राब हो जाएंगे। और ये लहसुन था जो मैंने, इसकी कलियां थी उनको मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया, अब वो मैं इसको डालूंगी। घी मेरा मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी मक्खन। लहसुन को देखें गोल्डन कलर आ चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाह। नमक, पानी को जोश आ चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी चावल। बिस्मिल्लाह। अब मेरे पास साबुत चार हरी मिर्ची हैं, अब मैं वो डालूंगी, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इन चावलों में ना। चावलों को माशाल्लाह दम आने वाला, अब मैं इसको दम लगाऊंगी। पानी खुश्क हो गया है, अभी एक कनी पे आई है, अब मैं इसको दम लगा देती हूँ। दम लगाने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। चावलों को माशाल्लाह दम आ चुका है, अब हम चूल्हा बंद करके तो इसका ढक्कन उठाते हैं। चावलों का माशाल्लाह दम आ गया, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह जी देखें चावल मेरे कितने अच्छे, एक एक दाना लैदा हुआ है, पक के कितने अच्छे लगे हैं। ये थे बटर गार्लिक राइस। मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। दुआओं में याद रखें, आमीन।